हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द हीमोफीलिया टॉपिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो हीमोफीलिया होता क्या है। हीमोफीलिया इज एन इनहेरिटेड ब्लड और कोगुलेटिव डिसऑर्डर इन विच द ब्लड डजंट क्लॉट प्रॉपरली एंड नॉर्मली। हीमोफीलिया क्या होता है? एक इनहेरिटेड ब्लड का और कोगुलेशन फैक्टर का डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो क्लॉट प्रॉपरली और नॉर्मली क्लॉट नहीं होता, ब्लड का रक्त का थक्का नहीं बनता, उसको बोलते हैं हीमोफीलिया। वो कंडीशन की आपको जैसे क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है, जिसमें क्या होता है क्लॉटिंग प्रोसेस होती है, तो रक्त का थक्का बनने की, ब्लड का जो क्लॉट फॉर्मेशन होना, ब्लड का रुकता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, वो नहीं होता, उस डिजीज को बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इफेक्ट 1 in 10,000 मेल्स एंड इट रेयरली इफेक्ट फीमेल। हीमोफीलिया वो मेल के अंदर ज़्यादा होता है, 10,000 के अंदर एक मेल के अंदर होता है और फीमेल के अंदर बहुत कम होता है। जनरली अपियर इन अर्ली चाइल्डहुड, जबकि ज़्यादा सामान्य ज़्यादा बचपन के अंदर होता है। फिर होता है टाइप्स क्या होते हैं हीमोफीलिया के। हीमोफीलिया एक द मोस्ट कॉमन टाइप एंड कॉज बाय डेफिशिएंसी एंड क्लॉटिंग फैक्टर 8 की। हीमोफीलिया है वो क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी और मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है? हीमोफीलिया ए होता है। फिर आता है हीमोफीलिया बी, आल्सो कॉल्ड क्रिसमस डिजीज एंड रिजल्ट फ्रॉम ए डेफिशिएंसी ऑफ 9th फैक्टर ड्यू टू म्यूटेशन इन कॉरेस्पॉन्डिंग जीन की। कि म्यूटेशन का मतलब था जीन के अंदर चेंजेस होना। हीमोफीलिया बी है वो जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 है, क्रिसमस फैक्टर, उसकी डेफिशिएंसी होती है। ए है वो 8 फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, फिर आता है हीमोफीलिया सी, दिस इज रेयर एंड कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 11। ठीक है, ये क्लॉटिंग फैक्टर जो 11 होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है हीमोफीलिया सी। फिर आता है एक्वायर्ड हीमोफीलिया, दिस इज वेरी रेयर, इट अकर वेन द बॉडी फॉर्म एंटीबॉडीज दैट अटैक ऑन क्लॉटिंग फैक्टर, यूजली फैक्टर 8। कि जो एक्वायर्ड हीमोफीलिया क्या होता है, वेरी रेयर चांस होता है, बट इट अकर वेन द बॉडी फॉर्म एंटीबॉडीज। बॉडी फॉर्म एंटीबॉडीज वो क्या करती है, क्लॉटिंग फैक्टर पर अटैक करती है, जो कि यूजली होता है हीमोफीलिया फैक्टर 8। ठीक है, फिर आता है दिस डिसऑर्डर मोस्टली एसोसिएट विथ ओल्ड एज एंड प्रेगनेंसी। ये जो एक्वायर्ड हीमोफीलिया वो प्रेगनेंसी ओल्ड एज के अंदर होता है। फिर आता है अनदर माइल्ड हीमोफीलिया, 5-30% होता है नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर होता है, और मॉडरेट के अंदर 1-5% होते हैं नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर, सीवियर हीमोफीलिया में लेस देन 1% क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, फिर आता है इटोलॉजी, इनहेरिटेड डिसऑर्डर कॉज बाई डिफेक्ट इन द जीन। अगर जीन के अंदर कोई डिफेक्ट है तो इटोलॉजी कॉज करता है, कारण होता है हीमोफीलिया का। फिर दीज जीन आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम विच डिटरमाइन वेदर ए बेबी ए बॉय और एग। कि जो जीन है वो लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम पे, जो डिटरमाइन करता है बच्चा है वो बॉय होगा या गर्ल होगा। अब देखो हीमोफीलिया इज इन एन एक्स लिंक जेनेटिक डिसऑर्डर। कि एक एक्स लिंक जेनेटिक क्रोमोसोम डिसऑर्डर है। इफ द मदर कैरीज द जीन फॉर हीमोफीलिया ऑन वन हर एक्स क्रोमोसोम, ईच ऑफ हर सम विल हैव 50% चेंजेस ऑफ हैविंग। मतलब कि एक मदर है वो कैरी करती है जीन हीमोफीलिया ऑन वन हर एक्स क्रोमोसोम को कैरी करती है, विल हैव 50% चांस होते हैं कि उसमें हीमोफीलिया है होने के। ठीक है, फिर है इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हीमोफीलिया की। एग्जांपल देख लीजिए, फादर कौन सा है? देखो अब इसमें समझाया गया है कि कैसे किस चांस होते हैं हीमोफीलिया के। फादर एक्स वाई होता है, ठीक है, नॉर्मल है। मदर एक्स वाई एक्स एक्स है, तो वो क्या है, कैरियर होती है हीमोफीलिया की। अब देख लेना, लेडीज है वो सामान्य कैरियर होती है हीमोफीलिया की, जबकि मेल है वो अफेक्ट होता है। अब देखो, फिर अपन ने एक्स एक्स लिया, एक्स एक्स बन गया, एक्स एक्स लिया, एक्स एक्स बन गया। ठीक है, और इनका जैसे अपन करवाते हैं, ठीक है, एक्स और वाई को लिया, एक्स वाई बन गया, एक्स और वाई एक्स एक्स बन। तो अब डिजीज कंडीशन किस में होगी, जो एक्स वाई पे है उसमें डिजीज कंडीशन में एक्स एक्स है वो ओनली कैरियर होते हैं। ठीक है, फिर आता है दिस डायग्राम शो द हाउ हीमोफीलिया जीन इज इनहेरिटेड। कि इस डायग्राम शो करता है हीमोफीलिया जीन है वो कैसे इनहेरिटेड है, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। फिर इन दिस एग्जाम्पल फादर डजेंट हैव हीमोफीलिया। कि इस एग्जाम्पल में फादर के को हीमोफीलिया नहीं है बट उसके बच्चों में होगा। मदर इज कैरियर, कि फादर के अंदर हीमोफीलिया प्रेजेंट नहीं है, मदर है वो कैरियर है। ठीक है, जैसे आपने सुना है हीमोफीलिया को बोलते हैं रॉयल डिजीज, क्योंकि ये रानी विक्टोरिया थी उसके अंदर था हीमोफीलिया की कंडीशन। फिर ईच डॉटर हैज 50% चांस ऑफ इनहेरिटिंग द अबनॉर्मल जीन फ्रॉम हर मदर। कि ईच जो भी उस माँ की जो हीमोफीलिया की कैरियर है उसके बच्चे 50% चांस के अंदर अबनॉर्मल जीन हो गए और कैरियर होगी हीमोफीलिया की। उसकी डॉटर भी क्या होगी, अगर माँ कैरियर है तो उसकी बच्ची भी कैरियर होगी। फिर आता है ईच सन हैज 50% चांस ऑफ इनहेरिटिंग द अबनॉर्मल जीन फ्रॉम द मदर एंड हैविंग। अब
अगर बच्ची में आ रहे हैं तो कैरियर है, अगर बच्चे में आ रहे हैं तो बच्चा क्या होगा, हिमोफीलिया का पेशेंट होगा, शिकार होगा। फिर है एग्जाम्पल, फादर एक्स वाई है, ठीक है, कैरियर है, ठीक है, और मदर नॉर्मल है, एक्स एक्स, ठीक है। अब एक्सेस करेंगे तो ये कैरियर, ठीक है, एक्सेस करेंगे तो अब नॉर्मल होंगे, ठीक है, और फादर क्या होगा, कैरियर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, फिर आता है दिस डायग्राम शो द फादर हैज हेमोफीलिया एंड मदर हैज नो हेमोफीलिया कैरियर, की फादर तो क्या हेमोफीलिया है और मदर है वो कैरियर नहीं हेमोफीलिया की, ठीक है। फिर है ईच डॉटर विल इनहेरिटेड अबनॉर्मल जीन फ्रॉम फादर एंड ए कैरियर नन ऑफ सन विल हैव इनहेरिटेड द अबनॉर्मल जीन फ्रॉम हिज फादर सो दे हैव इनो बेने। अगर देखो उसकी फादर से मिलेंगे कैरियर है, सन विल बी इनहेरिटेड अबनॉर्मल, अगर फादर से उसको अबनॉर्मल जीन मिल रहे हैं तो उनमें नहीं होगा हेमोफीलिया, ओनली मदर से मिल रहे हैं तभी होगा, ठीक है। फिर होता है क्लिनिक मैनिफेस्टेशन, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होगी एक बार लगी तो ब्लड का थक्का नहीं होगा, कई देर ज़्यादा देर लगेगी ब्लड को क्लॉट फॉर्मेशन होने में, और इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सीवियरिटी ऑफ हिमोफीलिया। एक्सेसिव ब्लीडिंग है वो डिपेंड करेगा टाइप और सीवियरिटी ऑफ हिमोफीलिया की, किस टाइप का हिमोफीलिया कितनी सीवियर होता है। चिल्ड्रेन हु हैव माइल्ड हिमोफीलिया में नॉट हैव सिम्टम, अब किसी ने माइल्ड है नॉर्मल हिमोफीलिया है तो उनमें सिम्टम नहीं अराइज होते। फिर आता है मेल है वो है सीवियर हेमोफेलिया में ब्लीड हेविली आफ्टर एनी प्रोसीजर, कि ऐसे मेल जिनमें हेमोफेलिया है उनके अगर कोई प्रोसेस करें अपन पंचर वाला तो उनमें ब्लीडिंग के चांस रहते हैं। फिर है ब्लीडिंग कैन अकर ऑन द बॉडी सरफेस, एक्सटर्नल ब्लीडिंग और इनसाइड द बॉडी इंटरनल, मतलब ब्लीडिंग है वो अकर इनसाइड भी हो सकती है और आउटसाइड भी हो सकती है। फिर है साइन ऑफ एक्सेसिव एक्सटर्नल ब्लीडिंग, अगर बाहर की ब्लीडिंग के साइन क्या होते हैं, ब्लीडिंग इन माउथ फ्रॉम अकर एक्ट ऑफ बाइटिंग, अब किसी ने माउथ के अंदर कट लगे और बाइटिंग है, ठीक है, और प्रोलॉन्ग नोज ब्लीड हो रहा है, एपिटेक्सिस हो रहा है, ठीक है, हैवी ब्लीडिंग आ रही है, माइनर कट लग गया, ठीक है, बॉडी पर तो हो रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग फॉलोइंग सर्जरी ब्लड इन टू द यूरिन, अब फॉलोइंग सर्जरी कारण ब्लड आया यूरिन के अंदर आ रहा है। साइन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लड इन द स्टूल के अंदर ब्लड आना, जिसको अपन मेलेना बोलते हैं, ब्लड इन यूरिन के साथ ब्लड आना, हेमेचूरिया, ब्लीडिंग इन जॉइंट, जॉइंट में अंदर ब्लीडिंग होना, मेन मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम क्या होता है हेमोफीलिया का, ब्लीडिंग इन जॉइंट्स। फिर आता है ब्लीडिंग इन ब्रेन। फिर आता है डायग्नोसिस टेस्ट क्या होता है, अब प्री नेटल टेस्टिंग में क्या करते हैं, इफ ए प्रेग्नेंट वुमेन एज ए हिस्ट्री ऑफ हिमोफीलिया एंड हिमोफीलिया जीन टेस्ट कैन बी डन टू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब किसी लेडीज के अंदर प्रेगनेंसी हिमोफीलिया कैरियर है तो उसकी टेस्टिंग की जाती है हिमोफीलिया के लिए। फिर प्रेगनेंसी टाइम ए सैंपल ऑफ प्लेसेंटा इज रिमूव फ्रॉम द यूट्रस, प्लेसेंटा का एक सैंपल लिया जाता है वो रिमूव किया जाता है यूट्रस से एंड टेस्ट दिस इज नाउन एज कॉर्निंग विलेज सैंपलिंग, यूट्रस से रिमूव, अब प्लेसेंटा का एक सैंपल लिया जाता है रिमूव फ्रॉम द, जो यूट्रस से रिमूव किया जाता है वो किसको बोलते हैं, कॉर्निंग विलेज सैंपलिंग, CVCS टेस्ट, ठीक है, जो अपन करते हैं जब माँ प्रेग्नेंट होती है, अपन तो यहाँ पे जैसे नॉर्मल नहीं होता, जो हाई सोसाइटी वाले लोग होते हैं वो करवाते हैं कॉर्निंग विलेज सैंपलिंग है, हेमोफीलिया टेस्टिंग है, वो सारे बच्चे के पैदा होने से पहले डाउन सिंड्रोम वगैरह सारे ट्रीट करवाते हैं। फिर आता है ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट कैन डिटरमाइन वेदर द पर्सन है हेमोफीलिया ए और बी, ब्लड टेस्ट डिटरमाइन करता है बच्चा के जो फादर है, डिटरमाइन द वेदर पर्सन, जो पर्सन है सॉरी उसके अंदर हेमोफीलिया ए है बी वो बताता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट, प्लेटलेट काउंट टेस्ट करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट करते हैं, एक्टिवेट पार्सेस ये क्या देखते हैं कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म है या नहीं, फिर तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट चेक करते हैं, नॉर्मल पीटी एंड प्रोलॉन्ग एपीटीटी मतलब प्रोथ्रोम्बिनटाइन या पार्शियल प्रोथ्रोम्बिनटाइन अपन चेक करते हैं, आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिमोफीलिया एंड एबी का कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फिर एक क्लॉटिंग फैक्टर टेस्ट, क्लॉटिंग फैक्टर टेस्ट टू कॉन्फर्म द डायग्नोसिस, कि आपको डायग्नोसिस कन्फर्म पता लगने क्लॉटिंग फैक्टर टेस्ट करते हैं कि कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी है। अब देखो मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट आता है ट्रीटमेंट विद रिप्लेसमेंट थेरेपी, आपको क्या करना है ट्रीट करना है रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ, द मेन ट्रीटमेंट फॉर द हेमोफीलिया इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट थेरेपी, आपको क्या करना है रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है, तो मेन ट्रीटमेंट होता है उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी। कंसेंट्रेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8 और क्लॉटिंग फैक्टर 9 आर स्लोली ड्रिप एंड इंजेक्टेड इन टू वेन, दीज इन्फ्यूजन हेल्प टू रिप्लेस क्लॉटिंग फैक्टर देट आर और नर्सिंग और ला, कि आपको क्या करना है कंसेंट्रेट क्लॉटिंग फैक्टर कंसेंट्रेशन होती है 8 और 9 की, वो ड्रिप के अंदर या इंजेक्टेड किया जाती है वेन के अंदर, जो इन्फ्यूजन हेल्प करता है रिप्लेस क्लॉटिंग फैक्टर को वापस, जो क्लॉटिंग का रक्त थक्का बनने के लिए हेल्पफुल है। फिर आता है डेस्मोप्रेसिन, इट इज ए मैन मेड हार्मोन
यूज टू ट्रीट पीपल डू हैव माइल्ड मॉडरेट हीमोफीलिया। डेसमोक्रेसी ने क्या है, एक मेड मैन हार्मोन किसी इंसान के द्वारा बने हैं जो किस लिए यूज किया जाता है, मॉडरेट और माइल्ड हीमोफीलिया को ट्रीट करने के लिए। डेसमोक्रेसी डज नॉट ट्रीट हीमोफीलिया बी और सीवियर हीमोफीलिया। ये जो माइल्ड होते हैं नॉर्मल केस उनको ट्रीट कर सकते हैं, बट जो सीवियर हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया ए उनको ट्रीट नहीं कर सकते। फिर आता है एक्शन, इट स्टिमुलेट द रिलीज और स्टोर्ड फैक्टर एट। ये क्या रिलीज करता है, स्टिमुलेट करता है एक्शन। डेसमोक्रेसिन की जो एक्शन है, ठीक है, ड्रग ऑफ एक्शन क्या होती है, फैक्टर एट को रिलीज करता है और स्टोर्ड करने में हेल्प करता है। डेसमोक्रेसिन गिवन बाय इंजेक्शन और नेजल स्प्रे, इसको अपन इंजेक्ट भी कर सकते हैं और नेजल स्प्रे के थ्रू भी दे सकते हैं। फिर है एंटी फाइब्रोनोलाइटिक मेडिकेशन, एंटी फाइब्रोनोलाइटिक मेडिकेशन यूज विथ रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंटी फाइब्रोनोलाइटिक मेडिकेशन है वो जिससे फाइब्रस फॉर्मेशन को रोकने के लिए एंटी फिब्रोलाइटिक देते हैं, तो फाइब्रस टिश्यू को ब्रेक करती है, ठीक है, जो रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ दिया जाता है। दे आर यूजली गिवन पिल एंड दे हेल्प टू कीप ब्लड क्लॉट फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन। कि ये क्या होते हैं, यूजली गिवन पिल, इसकी जो दवाई टेबलेट के रूप में दी जाती है और ये हेल्प करती है जो ब्लड क्लॉट है उनको ब्रेक डाउन होने से बचाती है। एग्जाम्पल ट्रांसजेमिक एसिड, ठीक है, आप जब हॉस्पिटल ड्यूटी करोगे आपको मित्र ट्रेक दे ट्रांसजेमिक एसिड है, ये ड्रग्स आपको मिलेगी। फिर आता है जीन थेरेपी, रिसर्चर्स आर ट्राइंग टू फाइंड द वे करेक्ट द फॉल्टी जीन दैट कॉज हिमोफीलिया। जीन थेरेपी में क्या करता है, रिसर्चर क्या करते हैं, फाइंड करेक्ट वे फाइंड करते हैं ऐसा तरीका जिससे क्या हो, जो फॉल्टी जीन है वो ट्रीट हो सके, करेक्ट किया जा सके और हिमोफीलिया को ट्रीट किया जा सके। इट इज़ कंटिन्यू टू टेस्ट जीन थेरेपी फॉर हीमोफीलिया एंड क्लिनिक ट्रायल। जो हीमोफीलिया थेरेपी जीन थेरेपी है उसमें क्या, हीमोफीलिया को क्लिनिक ट्रायल के अंदर कंटिन्यू किया जाता है और रिसर्च की जाती है। फिर आता है एनाल्जेसिक, पेन रिलीवर रिलीवर अदर देन एस्पिरिन, एनएसआईडीज सच एज नॉरप्रोक्सिन नेप्रोक्सिन यूज। अब एनएसआईडीज एस्पिरिन की जगह वो क्या करते हैं, नेप्रोक्सिन यूज करते हैं, क्योंकि एनएसआईडीज क्या होती है, एस्पिरिन है वो एंटी कोगुलेंट है, रक्त का थक्कर नहीं बनने देगी, इसलिए आप कह दोगे नेप्रोक्सीन। फिर आता है राइस, राइस क्या है, हिमोफीलिया का एक नर्सिंग मैनेजमेंट है जिसको बोलते हैं राइस। रेस्ट, आइस कंप्रेशन और एलिवेशन, आपको क्या करना है, जब किसी को ब्लीडिंग चोट लग जाए तो आपको उसको रेस्ट देना है, आइस कंप्रेस करना उस जगह के ऊपर और एलिवेट कर देना है। दिस इज ए ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब फॉर ज्वाइंट, ये ज्वाइंट के लिए एक ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया गया, ज्वाइंट पेन के लिए। इट रिड्यूस स्वेलिंग टिश्यू डैमेज वेन यूज टूगेदर विद क्लोटिंग रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब ये क्या करता है, टिश्यू डैमेज को बचाता है, स्वेलिंग को कम करता है और इसको कब दिया जाता है, क्लॉटिंग रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ प्रोवाइड किया जाता है। फिर आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, अब डायग्नोसिस है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड। अब कोई की इंजरी हो रही है, मान लो खेल रहा है कोई बच्चा कहीं पे, अब इंजरी होगी तो ब्लीडिंग के चांस रहेंगे, तो वो डायग्नोसिस है रिस्क फॉर इन्फेक्टिव प्रोटेक्शन, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम सप्रेस हुआ हुआ है। फिर है रिस्क फॉर डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू डिक्रीज एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग, अब इंक्रीज सॉरी इंक्रीज ब्लीडिंग पड़ रहा है तो सेंसेशन डिक्रीज होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियस होगी। फिर है रिस्क फॉर फ्लूड वॉल्यूम डेफिशिएंट, अब प्रॉपर न्यूट्रिशन है तो फ्लूड एंकलर वेलेस अफेक्ट होंगे। फिर आता है लुकेमिया, अब लुकेमिया क्या होता है, देखो द वर्ड लुकेमिया कम फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, इसको ग्रीक वर्ड लुकोज का मीन होता है वाइट एंड और एमिया का मीन होता है ब्लड, कि वाइट ब्लड सेल लुकेमिया। इट इज द कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग सेल इन द बोन मेरो, ये कैंसर होता है लुकेमिया, तो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होती है बोन मेरो के अंदर जो स्टेम सेल्स है उनका कैंसर है, इसको बोलते हैं लुकेमिया, ठीक है। डिफिनेशन, लुकेमिया इज मेलिग्नेंट डिसऑर्डर ऑफ बोन मेरो एंड ब्लड सिस्टम, ये क्या है, एक मेलिग्नेंट अबनॉर्मल ग्रोथ का डिसऑर्डर है जो बोन मेरो और ब्लड सिस्टम के अंदर अक्कर होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ लुकेमिक सेल अबनॉर्मल डब्ल्यूसी, मतलब कि इसमें क्या होता है, रिजल्ट ऑफ अनकंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, अबनॉर्मल ग्रोथ होती है जो ल्यूकेमिक सेल की, जिसमें बोलते हैं ल्यूकेमिक सेल किसको बोलते हैं, अबनॉर्मल डब्ल्यू सी है, उसका प्रोडक्शन बढ़ता है और इंक्रीज होती है, ठीक है। इमेच्योर डब्ल्यू सी इन द बोन मेरो एंड इनएडिक्वेट स्पेस इन द बोन मेरो फॉर नॉर्मल ब्लड प्रोडक्शन, की इनएडिक्वेट इमेच्योर डब्ल्यू सी इकट्ठी हो जाती है बोन मेरो के अंदर और इनएडिक्वेट स्पेस बच जाता है नॉर्मल ब्लड प्रोडक्शन के लिए, तो वो कॉज करता है ल्यूकेमिया को। दिस रिजल्ट इन द लेक ऑफ डब्ल्यू सी आरबीसी, जो रिजल्ट करेगा डब्ल्यू सी आरबीसी और प्लेटलेट का कम होना, कमी को दर्शाएगा। फिर आता है क्लासिफिकेशन,
फर्स्ट डिवीजन इन बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक फॉर्म की पर डिवाइड किया गया एक्यूट और क्रॉनिक फॉर्म में। एक्यूट लुकेमिया इट करेक्टराइज बाय रैपिड इंक्रीज ऑफ इमेच्योर डब्ल्यूबीसी की। एक्यूट लुकेमिया क्या होता है, जो डब्ल्यूबीसी है वो इमेच्योर डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन होता है, वो रैपिड इंक्रीज होता है, ठीक है। और इट मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लुकेमिया इन चिल्ड्रेन, बच्चों के अंदर जो एक्यूट लुकेमिया है वो मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। फिर आता है क्रॉनिक लुकेमिया, इट इज ए करेक्टराइज बाय एक्सेसिव बिल्डअप ऑफ रिलेटिवली मेच्योर बट स्टिल अबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी। मतलब कि क्रॉनिक लुकेमिया में क्या होता है कि एक्सेसिव बिल्डअप होती है डब्ल्यूबीसी जो कि रिलेटिवली मेच्योर होती है, बट क्या होती है, स्टिल अबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी होती है, नॉर्मल डब्ल्यूबीसी नहीं होती। इट टेक टू 1 to 2 ईयर टू प्रोसेस, इसमें 1 से 2 साल लगते हैं। द सेल्स आर प्रोड्यूस एट हायर रेट देन नॉर्मल, जो सेल्स है वो प्रोड्यूस होती है, बनती है नॉर्मल रेट से ज़्यादा बनती है, ठीक है। इट मोस्ट अकर इन एडल्ट और ओल्डर पीपुल। अब एक्यूट लुकेमिया किसमें हो गया, चाइल्ड के अंदर, और जो क्रॉनिक है वो ओल्डर पीपल और एडल्ट के अंदर होता है। लुकेमिया आर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप, लुकेमिया को सब डिवाइडेड किया गया है। एक्यूट लिम्फोसाइटिक लुकेमिया, दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लुकेमिया इन यंग चिल्ड्रेन ओल्डर एज पर्सन 65। जो एक्यूट लिम्फोसाइटिक लुकेमिया है वो मोस्ट कॉमन जो लुकेमिया है यंग चिल्ड्रेन है ओल्डर एज वाले इनमें होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन, इसका जो ट्रीटमेंट है वो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी होता है एक्यूट लिम्फोसाइटिक। फिर आता है क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक लुकेमिया, दिस इज मोस्ट कॉमन इन पीपल हु हैव एज ऑफ मोर देन 55 ईयर और लेस इफेक्टिव द चिल्ड्रेन की। क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक लुकेमिया क्या होता है, इसमें मोस्ट कॉमन होता है पीपल में जिसमें एज है वो मोर देन 55, मतलब ओल्डर या लेस इफेक्ट करता है बच्चों को, ठीक है, ज़्यादा ओल्डर एज के पीपल को अफेक्ट करता है क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक। फिर आता है एक्यूट माइलोजीनस लुकेमिया, इट मोर कॉमन अमोंग एडल्ट देन चिल्ड्रेन, मोर कॉमन अमोंग चिल्ड्रेन देन चिल्ड्रेन, मतलब ये ज्यादा किसमें होता है एडल्ट में बजाय चिल्ड्रेन के, एंड इफेक्ट मेल सिग्निफिकेंट मोर देन, और मेल को अफेक्ट करता है बजाय फीमेल के, ठीक है। फिर आता है पेशेंट आर ट्रीटेड, इसको कीमोथेरेपी से ट्रीट किया जा सकता है। क्रॉनिक माइलोजीनस लुकेमिया, द मेजोरिटी ऑफ पेशेंट आर एडल्ट, जो जवान युवा होते हैं एडल्ट, 90% केसेस आर ट्रीटेड एंड सर्वाइव और ओवर 5 ईयर, 90% है वो केसेस वो ट्रीट किए जा सकते हैं और 5 ईयर तक सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। फिर है हेरी सेल लुकेमिया, अबाउट 80% ऑफ पीपल आर एडल्ट की, 80% पीपल है जो हेरी लुकेमिया सेल से अफेक्ट होते हैं, एडल्ट होते हैं, और सर्वाइवल रेट 10 साल तक वो इससे सफ़र कर सकते हैं। फिर है रिस्क फैक्टर, द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, जो एग्जैक्ट कॉज है वो तो लुकेमिया का पता नहीं, इडियोपैथिक है, ठीक है, और रेडिएशन है कॉज करता है, एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन हो रखा है, ठीक है, एक्सपोजर एक्सरे का एक्सपोजर, यूवी रेज का एक्सपोजर, केमिकल बेंजीन है, स्मोकिंग है, कीमोथेरेपी है, सम अदर ब्लड डिसऑर्डर है, फैमिली हिस्ट्री लुकेमिया की कोई हिस्ट्री है तो उनमें हो सकता है, सब मेडिकल थेरेपी, एंटीबायोटिक, क्लोरोम्फेनिकॉल ड्रग है, ये कॉज करती है लुकेमिया को। फिर है अब देखो इसका एडियोपैथिक कॉज है ये क्या है, ये कर सकते हैं, ठीक है, अनुमानित है, ठीक है। फिर आता है क्लिनिक फिनेस, स्वेलिंग लिम्फ नोड, तो लिम्फ नोड वो स्वेल हो जाएंगे, फीवर होगी, नाइट स्वेट होगा, नाइट में पसीना ज़्यादा आएगा, फटीक होगी, वेट लॉस होगा, इजी ऐसे ब्लीडिंग, ब्लीडिंग थोड़ा सा लगती है, ब्लीडिंग हो जाएगी, रेड स्पॉट होंगे स्किन के ऊपर, अब नॉर्मल पेन होगा, इन्लार्जमेंट ऑफ स्प्लीन और लीवर का इन्लार्जमेंट होगा, क्योंकि अब नॉर्मल डब्ल्यूबीसी होगा प्रोडक्शन होगा, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, जॉइंट पेन होगा जिसको बोलते हैं अर्थ लाजिया। डायग्नोसिस में फिजिकल एग्जामिन करते हैं, पेशेंट हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, बोन मैरो बायोप्सी करते हैं, लुकेमिया सेल को क्रोनोलॉजिकली देखते हैं, अब नॉर्मल लुकेमिया है या मेलिग्नेट है या बिनाइन ग्रोथ है। फिर है साइटोजेनेटिक्स करते हैं, इम्यूनोफिनोटाइपिंग करते हैं, ये क्या होता है, इट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ द एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ लुकेमिक सेल टू कंफर्म द एग्जैक्ट टाइप ऑफ लुकेमिया की। जो इसमें क्या करते हैं, अपन एग्जामिनेशन करते हैं एंटीजन का जो लुकेमिक सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है, तो कंफर्म करना एग्जैक्ट लुकेमिया का टाइप कौन सा, उसको बोलते हैं इम्यूनोफिनोटाइपिंग। मतलब कि एक टेस्ट होता है जिसमें अपन लुकेमिया का टाइप को असेस करते हैं, लंबर पंचर करते हैं, एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई करते हैं। फिर आता है अल्ट्रासोनोग्राफी। फिर आता है मैनेजमेंट क्या होता है, अब देखो मैनेजमेंट में क्या होता है, फर्स्ट आता है कीमोथेरेपी, इट इज द मेजर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट फॉर लुकेमिया टू की लुकेमिक सेल। कि
कि जो कीमोथेरेपी है वो मेजर फॉर्म होती है ट्रीटमेंट लुकेमिया के लिए, लुकेमिक सेल को किल करने के लिए। फैजेज फर्स्ट आता है इंडक्शन, द पर्पज ऑफ दिस फेज टू किल लुकेमिक सेल एंड इन द एज पॉच वेल। पर इंडक्शन का मतलब होता है, तो पर्पज क्या होता है इंडक्शन का, लुकेमिक सेल को किल करना, एज में जितना पॉसिबल हो गया लुकेमिक सेल को ही किल मार देना, ठीक है। फिर है कंसोलिडेशन, दिस फेज फॉर किलिंग लुकेमिक सेल विच नॉट किल्ड इन इंडक्शन फेज। फर्स्ट तो जितनी हो सके उतनी सेल को मारो, कंडक्शन के अंदर जो नहीं मरी उनको मारते हैं फिर, ठीक है। मेंटेनेंस के अंदर द थर्ड फेज यूज टू कीप नंबर ऑफ लुकेमिक सेल लो, कि यूज टू कीप रखते हैं कि लुकेमिक सेल लो कितनी है, ठीक है। दिस फेज कैन बी लास्ट फॉर 2 ईयर, ये 2 साल तक चलती है मेंटेनेंस फेज। फिर आता है बायोलॉजिकल थेरेपी, इट वर्क बाय हेल्पिंग इम्यूनो सिस्टम इन रिकॉग्नाइज द अटैकिंग लुकेमिक सेल, कि ये हेल्पिंग करता है, वर्क हेल्प करता है इम्यूनो सिस्टम की, तो रिकॉग्नाइज अटैकिंग लुकेमिक सेल को अटैक करके मारने में हेल्प करता है बायोलॉजिकल थेरेपी। वन ऑफ द थेरेपी सबस्टांस कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी गिवन बाई आई वी इंजेक्शन, की जो लुकेमिया में क्या होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी जाती है आईवी, जो क्या करती है, जो लुकेमिया सेल है उनको डिस्ट्रॉय करती है। फिर आता है रेडिएशन थेरेपी, इन दिस एक्सरेज ऑल आर हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी बीम आर यूज टू डैमेज दैट्स द ग्रोथ ऑफ लुकेमिया। अक्सरे यू रेज, अक्सरे द्वारा यू रेज डाली जाती है, जो क्या करती है लुकेमिया सेल को डिस्ट्रॉय करती है ग्रोथ को। फिर आता है स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन, इसमें क्या है ए प्रोसीजर टू रिप्लेस डिजीज बोन मैरो बाय हेल्थी बोन मैरो, कि आपको क्या करना है बोन मैरो में अंदर स्टेम सेल है वो वापस ट्रांसफर करें, तो किससे क्या होगा हेल्थ बोन मैरो हेल्दी होगा और अब नॉर्मल लुकेमिक सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वापस नॉर्मल WBC RBC प्लेटलेट का काउंट नॉर्मल हो जाएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट, फीवर रिलेटेड टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन रिलेटेड फीवर है, फटीग रिलेटेड टू अल्टर ब्लड लेवल फटीग, थकान, ब्लड लेवल अल्टर्ड है, पेशेंट को थकान फील होती है, इसका मतलब है कि ब्लड लॉस हो रखा है। रिस्क फैक्टर इंजरी रिलेटेड टू डिक्री, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज है तो इंजरी होगा, ब्लीडिंग होगा, तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, तो आपको मेंटेन करना है। एंजाइटी रिलेटेड टू लेक ऑफ नॉलेज, अब डिजीज के बारे में पेशेंट को नॉलेज नहीं, तो आपको क्या करना है पहले पेशेंट को बताना है कि क्या डिजीज होते हैं, क्या साइंस होता है, क्या टाइप होते हैं, कैसे इसको ट्रीट किया जाता है, क्या तुम्हें प्रिकॉशन रखने हैं, क्या प्रिवेंशन रखने, वो सारा आपको पेशेंट और फैमिली को बताना है। फिर आता है लिम्फोमा, इट इज द टाइप ऑफ कैंसर दैट बिगिनिंग इन द इम्यून सिस्टम, कि एक लिम्फोमा क्या होता है, एक टाइप ऑफ कैंसर होता है जो स्टार्ट किस में होता है, इम्यून सिस्टम में ही बनना स्टार्ट, उसको बोलते हैं लिम्फोमा। इट इज बींग विद द प्रोडक्शन ऑफ वन और मोर अबनॉर्मल सेल इन द लिम्फ नोड, ये क्या होता है बिगिन स्टार्ट होता है कि प्रोडक्शन होने लगता है, एक या मोर सेल अबनॉर्मल सेल है वो लिम्फ नोड के अंदर बनने लग जाती है, ठीक है। दिस लीड टू इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, ये क्या करता है लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट, उसके साइज को बढ़ा देता है, एंड स्प्रेड टू वन और मोर अदर लिम्फ नोड, और एक लिम नोड से अदर लिम नोड के अंदर स्प्रेड होता जाता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर, एग्जैक्ट कॉज तो अननाउन है, इन्फेक्शन है, टीबी का हो गया, एस्पाइल इन्फेक्शन है, ठीक है। फिर है हायर सोर्स हेरिडेटरी है, जन्मजात या माता पिता से गुणों मिलकर हेरिडेटरी सोर्स बैकग्राउंड है पीपल का, ठीक है, उस वजह से। फिर आता है क्लिनिक मैनिफेस्टेशन क्या होता है, पेनलेस स्वेलिंग ऑफ वन और मोर, अब लिम नोड के अंदर क्या होगा स्वेलिंग होगी, जो कि पेन नहीं होगा बट स्वेलिंग होगी, स्वेल हो जाएंगे वो, ठीक है। फ्लूड कलेक्शन होगा लिम नोड के अंदर, ठीक है, और अबनॉर्मल स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग होगी अबडोमिनल में, स्वेलिंग आ जाएगी, ए फीवर होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, वेट लॉस होगा, पसीना आएगा, नोजिया होगा, एनोरेक्सिया, भूखने लगे, फटीग और थकान और वीक महसूस करेगा, सीवियर और इचिंग होगी, पेशेंट को खुजली आएगी, कफिंग, खांसी आएगी, शॉर्टनेस, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। फिर आता है डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन, फिजिकल एग्जाम करते हैं, पेशेंट हिस्ट्री देते हैं, फिर आते हैं ब्लड एंड यूरिन टेस्ट करते हैं, बायोप्सी, लंबर बंदर, एक्सरे और सीटी स्कैन करते हैं, MRI करते हैं। फिर आते हैं लिम्फेंजियोग्राम, एन इमेजिंग स्टडी दैट कैन डिटेक्ट कैंसर सेल ऑफ अबनॉर्मलिटी इन द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेंजियोग्राम में क्या करते हैं, जो लिम्फोमेटिक सेल है, जो डिस्टेक्ट सेल है, उनको डिटेक्ट किया जाता है अबनॉर्मलिटी, लिम्फेटिक सिस्टम की अबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं लिम्फेंजियोग्राम। मैनेजमेंट क्या होता है, कीमोथेरेपी दे सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, नेक्स्ट करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में करते हैं सर्जिकल रिसेक्शन। नेक्स्ट आता है ऑफ द ट्यूमर दैट आर अराइज इन द ऑर्गन आउटसाइड द लिम्फ नोड, द लिम्फ नोड की आउटसाइड द ऑर्गन में जो ट्यूमर है उसको ही रिमूव करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लेबोटोमी, फ्लेबोटोमी मैंने अभी पीछे पढ़ा दिया आपको, फ्लेबोटोमी क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसमें रिमूव किया जाता है ब्लड को सर्कुलेटिंग सिस्टम से,
पंचर करके ऑर्डर टू ऑब्टेन सैंपल लिया जाता है एनालिसिस और डायग्नोसिस, उसको बोलते हैं फ्लेबोटोमी, की ब्लड कलेक्ट करना वेन से उसको बोला जाता है फ्लेबोटोमी। नेक्स्ट है इट इज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ब्लड डिसऑर्डर लाइक पॉलीसाइथेमिया, में क्या होता है पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट होता है ब्लड डिसऑर्डर लाइक पॉलीसाइथेमिया डिसऑर्डर था उसके लिए। फिर आता है प्रोसीजर ऑफ फ्लेबोटोमी, ब्लड इज यूजुअली टेकन फ्रॉम द वेन जस्ट बिलो द एल्बो, बिलो द एल्बो जो वेन होती है उससे ब्लड लिया जाता है। सम ब्लड टेस्ट रिक्वायर ब्लड सैंपल फ्रॉम कैन आर्टरी, कुछ ब्लड टेस्ट में आर्टरी से भी लिया जाता है। द एरिया ऑफ पंचर इज क्लीन विद द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, जो एरिया अपन पंचर करना है उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से क्लीन करना चाहिए, इलास्टिक बैंड है वो टाई करना चाहिए वहाँ पे। फिर अराउंड द आर्म, फिर दिस मेक द वेन मोर विजिबल, ये क्या करेगा विजिबल, मेक वेन को मोर विजिबल शो करेगा। द टेक्नीशियन इंसर्ट ए नीडल इन टू द वेन टू विड्रॉ द सैंपल, नीडल इंसर्ट करता है वेन के अंदर सैंपल लेने के लिए। फिर आता है पेशेंट वाइटल साइन आर मोनिटर्ड बिफोर द प्रोसीजर, प्रोसीजर करने से पहले आपको पेशेंट के वाइटल साइन असेस करने चाहिए। फिर अप्लाई बेंडिंग टू द एरिया ऑफ पंचर एंड लेबल द सैंपल, आपको क्या करना है बेंडिंग बैंडेज अप्लाई करनी है पंचर साइड पे और लेबल करना है सैंपल को। आफ्टर केयर, आफ्टर ब्लड इज विड्रॉन, द ब्लड निकाल दिया जाए द पंचर साइड बेंडिंग अप्लाइड तो बैंडेज अप्लाई किया कॉटन बॉल टू स्टॉप ब्लीडिंग, कॉटन बॉल लगानी चाहिए ठीक है कॉटन पीस को ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। फिर है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, ईट रेगुलर डाइट, क्लाइंट टू रिप्लेस द लॉस ब्लड वॉल्यूम, आपको क्या पेशेंट को बोलना है लिक्विड और फ्लूइड ले जिससे क्या हो रेगुलर डाइट ले जिससे ब्लड वॉल्यूम वो वापस रिप्लेस हो सके। फिर है इफ स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग इज प्रजेंट एट द पंचर साइट आफ्टर फ्लेबोटोमी इमीडिएट कंसल्ट टू मेडिकल फिजिशियन, अगर स्वेलिंग और ब्लीडिंग हो रही है पंचर साइट पर फ्लेबोटोमी की प्रोसीजर के बाद तो आपको मेडिकल फिजिशियन को इन्फॉर्म करना चाहिए। फिर आता है कॉम्प्लिकेशन, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपोवोलेमिया इफ मोर ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है तो हाइपोवोलेमिया कंडीशन अराइज हो सकती है। ये थे आपके हेमेटोलॉजी के रिलेटेड डिसऑर्डर, आपका हेमेटोलॉजी डिसऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।